जी तो व्यूअर्स, ये लियाना 2006 मॉडल है। इस पे मैं वीडियो बनाने लगा हूँ और वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये तकरीबन 14-15 साल पुरानी गाड़ी है, लेकिन ये तकरीबन 95% अपने कलर में है। और ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ कि जो ये माइंड रखते हैं कि ये गाड़ी उन्होंने परचेज़ करनी है या क्या इसके प्रॉस एंड कॉन्स हैं, वो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। सॉरी, इंटीरियर की बात कर लेते हैं पहले। ये डैशबोर्ड है और ये लियाना का एक प्रॉब्लम ये है सबसे पहला कि इसमें डैशबोर्ड जो है वो क्रैक होना शुरू हो जाता है तकरीबन 10-11 साल बाद। लेकिन इसका एक हल ये है कि इसके ऊपर एक कोटिंग हो जाती है, तकरीबन 3-3.5 हज़ार उस पर ख़र्चा आ जाता है बस। एक और गाड़ी पे मैंने अपने फ्रेंड की करवाई थी, अगर किसी को उस बारे में हेल्प चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, कमेंट्स में ज़रूर लिखें तो मैं उसकी डिटेल आपको बता दूंगा। ये गाड़ी जो है वो LXi मॉडल है, इसमें मिरर कंट्रोल आता है, ये आप देख सकते हैं मिरर कंट्रोल है। और इसमें आप ऑटो विंडोज़ हैं, पावर स्टेयरिंग है और ये इसके कंट्रोल्स हैं AC के और वेंट्स के। और ये आप देख सकते हैं कि ये इसका इंटीरियर बनता है, काफ़ी खूबसूरत है एज़ कम्पेयर टू अदर सुजुकी कार्स जो कि इस रेंज में आपको मिल जाती हैं। ये आप देख सकते हैं इसका रूफ जो है, स्पेस आपको काफ़ी मिल जाती है इसमें, जितना मर्ज़ी टॉल बंदा हो आराम से एडजस्ट कर सकता है। इसका गियर है, हैंड ब्रेक, कप रखने की स्पेस है और ये इसका डोर का स्टाइल है। इसमें AC के 4 वेंट्स हैं। और ये जो साइड इसके हैं ये काफ़ी बड़े हैं, यानी कि इसमें से भी काफ़ी एयर आती है, इसमें एयर थ्रो काफ़ी है AC की। रूम इस गाड़ी का काफ़ी बड़ा है। लेकिन ये है कि इसके जो AC की थ्रो है वो इतनी होती है कि आराम से पूरी गाड़ी विद इन नो टाइम ठंडी हो जाती है। चलते हैं जी इसके बोनेट की तरफ, इंजन साइड। ये कंडीशन है आफ्टर 14-15 ईयर्स ऑफ यूजेज, इस गाड़ी की ये कंडीशन बनती है। और इसके में ओरिजिनल इंजन है अभी तक, और इस गाड़ी की रनिंग अब तक हो चुकी है 180,000, 1,80,000। ऑयल की थोड़ी बहुत यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा इसमें ब्लो आ चुकी है, सो इंजन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड। थोड़े ही अरसे में इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, लेकिन अभी चल रहा है सो अभी कोई इशू नहीं है। कोई साउंड उस तरह की इंजन चेंज की नहीं आ रही, लेकिन यह है कि ऑयल जो डलता है 4 लीटर, जिसमें 4.25 लीटर, उसमें से जब वो कंप्लीट यूज़ हो जाता है तो तकरीबन आप समझ लें कि उसमें 10% 15% कम करती है ये गाड़ी ऑयल। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इसके जो पीछे बैठने वाले लोग हैं उनके लिए कितनी स्पेस है, तो ये देख सकते हैं आप, जो पीछे बैठने वाले लोग हैं वो भी कंफर्टेबल लॉन्ग रूट पे आराम से बैठते हैं। और इसमें चौड़ाई की बात की जाए तो इसमें आराम से 3 बंदे भी बैठ सकते हैं, लेकिन कंफर्टेबली जो है वो 2 लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं और 3 लोग आराम भी बैठ के जा सकते हैं लॉन्ग रूट पे ज़रूरत के मुताबिक। ये इस मॉडल में ओरिजिनल अलॉय रिम्स आते हैं, ये 14 इंच के अलॉय रिम्स होते हैं और मैंने जो टायर डलवाया हुआ है वो 185/70/14 है, R14। जी तो व्यूअर्स, ट्रंक स्पेस की बात कर लेते हैं गाड़ी की। ट्रंक स्पेस आप देख सकते हैं, एक तो हाइट में भी ज़्यादा है और जो इसकी इंटरनल स्पेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है।
ये असल में एलेक्साई मॉडल का सीएनजी वर्जन था, तो इसके आगे भी स्पेस है इस तरफ भी। सो इसकी जो ओवरऑल स्पेस आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है और हाइट भी ज़्यादा। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं लॉन्ग रूट पे ट्रैवल करता हूँ तो मेरे काफ़ी बैग्स यहाँ पे आ जाते हैं आराम से। गाड़ी को व्यूअर्स करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द कार। हाफ सेल्फ स्टार्ट है और ये आप देखेंगे मैंने एसी भी ऑन कर लिया। अच्छा, इस गाड़ी की ज़बरदस्त बात ये है कि इसका एसी बहुत अच्छा है और ये वाला जो वर्जन है ये एलेक्साई मॉडल है। इसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी वाली और इसमें क्या फ़र्क है, आरएक्सआई में ये मिरर कंट्रोल नहीं होता, इंटरनल ये जो ऑटो मिरर कंट्रोल है, और इसमें इमोबिलाइज़र नहीं होता, और अलॉय रिम्स ओरिजिनल नहीं आते, और कलर डोर हैंडल्स और कलर मिरर्स नहीं होते। ये चार पांच मेजर डिफरेंसेस हैं जो कि इसमें और आरएक्सआई मॉडल में आते हैं। तो ये इसका फुल वर्जन है, जो एलेक्साई मॉडल है सुजुकी का, लियाना का, ये वो वर्जन है। रीडिंग में आपको दिखा देता हूँ इंजन की क्या हो चुकी है अभी तक। 178 रीडिंग हो चुकी है। सो गाड़ी इस वक्त स्टार्ट हो चुकी है जी। मैं थोड़ा सा ड्राइव करके आपको बता देता हूँ। गाड़ी की साउंड आप चेक कर सकते हैं कि रूम के अंदर इसकी कितनी साउंड आती है। इसका एसी की फुल थ्रो ज़बरदस्त ठंडा कर रहा है अभी। फुल गर्मियों में मैंने लास्ट सीज़न इसको 120 पे लॉन्ग रूट पे चलाया विद एसी, तो इसकी एवरेज तकरीबन रहती है विद एसी लॉन्ग रूट पे 14-15 रहती है, और विद एसी इसकी जो एवरेज है लोकल में वो 11 के करीब होती है जी। तो व्यूअर्स ये 0-100 वीडियो है। गाड़ी की मेंटेनेंस का ये है कि पिछले 1.5-2 सालों में मुझे सिर्फ 2 मेजर खर्चे करने पड़े हैं। एक तो इसकी जो गियर की केबल्स थी उनमें से एक डैमेज हो गई थी, वो रिप्लेस हुई है, और एक मैंने इसकी जो कॉइल्स होती हैं इंजन कॉइल्स वो रिप्लेस की थी। तो तकरीबन समझ लें कि ये 10-15 हज़ार का खर्चा था। बाकी गाड़ी के हिस्से की बात करें तो गाड़ी का जो हिस्सा है वो उस तरह से आप होंडा से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि इस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही लो क्वालिटी का हो। काफ़ी अच्छी सस्पेंशन है गाड़ी की, लेकिन यह है कि ख़र्चा निकाल देती है अगर आप इसको रफ़ रोड्स पे इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप क्लीन रोड्स पे इसको इस्तेमाल करते रहते हैं गाड़ी को, तो ये तो बहुत पायदार गाड़ी और काफ़ी अर्सा निकाल देगी। और अगर आप रफ़ रोड्स पे रोज़ आपकी यूजेज इस तरह की है कि आपने ड्राइविंग रफ़ रोड्स पे करनी है, तो ये गाड़ी फिर थोड़ा सा आपको खर्चा करवाएगी। पर ईयर आपको इसका हिस्से की मेंटेनेंस 1-1.5 साल बाद करवानी पड़ेगी, जो कि आपको रिपेयरिंग कॉस्ट तकरीबन 15-20 हज़ार आएगी। गाड़ी की ड्राइव इंतहाई कंफर्टेबल है। सीटिंग प्लान जो है इसकी, जो सीटिंग स्पेस है, प्लेस है, सब कुछ आप कह लें वो बेहतरीन है, और जितने भी पीछे बैठने वाले भी लोग जो होते हैं वो कम्फर्टेबल बैठते हैं।
और सस्पेंशन वाइज गाड़ी अच्छी है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ये है कि एसी बेहतरीन है। सो अगर आप 7-8 लाख की रेंज में ये गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, तो बस आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि गाड़ी फुली मेंटेन्ड होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप गाड़ी किसी ऐसे बंदे से ले रहे हैं जिसको आप नहीं जानते और आप सिर्फ मौके पे गाड़ी को चेक कर रहे हैं, तो मेजर आपने गाड़ी ड्राइव करके हिस्सा चेक कर लेना, क्योंकि उसी का मेजर खर्चा होगा। प्लस आपने मिसिंग चेक कर लेनी है और गाड़ी की ऑयल की जो लीकेज है वो आप इंजन को चेक कर सकते हैं। उसमें अगर इंजन में ब्लो हुई तो वो ज़रूर आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगी थोड़ी सी। सो ये मेजर बातें, कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल आंसर दोज क्वेरीज इंशाल्लाह। सो वी विल स्टे इन टच। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।